बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने लिया है, ये 1 किलो मैंने गाजर लिए और गाजर को मैंने कद्दूकस से ग्रेट करके रख लिया है। तो इसमें जो है, जो आप जिस कद्दूकस से ग्रेट कर रही हैं तो वो थोड़ा मोटे दाने का ले, जिससे कि थोड़ा मोटी मोटी गाजर अच्छी लगती है हलवे में, बहुत घुटती नहीं है वो। तो हम इसके लिए गाजर की को चूज़ करेंगे। हमें पतली गाजर नहीं लेनी है, हमें थोड़ी मोटी वाली गाजर लेनी है, जिसमें से पकने के बाद पानी नहीं निकलता है ज़्यादा, तो गाजर का हलवा भी अच्छा बनता है। तो हम इस तरह की गाजर ले लेंगे। उसको मैंने पहले गाजरों को ऊपर से पील कर लिया है खुरच के, उसके बाद मैंने इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। तो चलिए इसकी और इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। ये मैंने लिया है 100 ग्राम शक्कर है ये, आपके मन पे है। अगर आप शक्कर ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, जिसमें से ये काजू और बादाम है, जो मैंने काजू साबुत रखे और बादाम को महीन काट लिया है। ये छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टेबल स्पून ले लिया है। और ये मैंने लिया है 150 ग्राम खोया है। और ये मैंने लिया है 150 ग्राम मलाई, ये घर की निकली हुई, आप क्रीम भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाने स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लिया है, उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब मैंने कढ़ाई में गाजर को डाल दिया है और ये गाजर हम लो मीडियम पे ही पकाएंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं, और आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। तो हमें इसे इस तरह से भून लेना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर तक हम इसे भूनेंगे, 5 से 10 मिनट तक, जिससे कि इसमें गाजर का अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी इसमें सूख जाए। तो ये गाजर भूनते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हमें इसको भून लेना है। तो अब ये अच्छी तरह से भून चुकी है और इसका पानी जो था वो एकदम खुश्क हो चुका है। इसमें ज़्यादा पानी निकला भी नहीं था, क्योंकि ये गाजर थोड़ी अच्छे किस्म की है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। तो ये दूध डालने से इसमें बहुत ही सोंदर सा टेस्ट आ जाता है। तो हम इस दूध को डाल करके और इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम पकाएंगे, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए, लगने से इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसे मैंने 5 मिनट तक के लगातार ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा और भून लिया है। तो अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक देते हैं ना लो फ्लेम पे। हाँ, तो ये गाजर अच्छी तरह से पक चुकी है और इसका दूध आप देख सकते हैं बिल्कुल अब्जर्व हो गया है, बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है, इसमें जो मैंने दूध डाला था। और ये थोड़ी सी गल भी गई है, इसको ढक के पकाया है मैंने। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें, ये मेरे पास मलाई है, हम ये डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो मलाई डाल करके हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, और साथ ही में इसमें शक्कर डाल देंगे। अब ये शक्कर इसमें धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, और इसे हम ऐसे ही चलाते हुए बस लगातार पकाएंगे। तो इस तरह से गाजर का हलवा अगर आप बनाएंगे तो इसका कलर देख लीजिए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का आपको गाजर का हलवा बन के मिलेगा, इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो ये गाजर का हलवा पूरी तरह से अब भुन चुका है। मैंने इसे मीडियम हाई पे भुना है लगातार चलाते हुए। तो इसका इसमें जो भी पानी था या जो भी नमी थी वो एकदम सूख गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये खोया डाल देते हैं। तो आप इस खोए को भून के भी डाल सकते हैं, अगर क्वांटिटी में आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसे आप भून के डाल लें। और ड्राई फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट आपको जो पसंद हो वो डालें। आप इसमें गोंद भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गोंद लें, उसको जो है घी में थोड़ा सा आप फ्राई कर लें, फिर उसको क्रश करके डाल दें, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब हम इसे खोया डाल के भी थोड़ी देर भूनेंगे, 4 से 5 मिनट तक के। अब हम इसमें डाल देते हैं ये छोटी इलायची का पाउडर डाल देते हैं। तो इन सब चीज़ों से इनको डालने से इसमें जो खुशबू आती है तो उससे भी इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हम इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डालेंगे और थोड़े गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। तो
देखिए गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और देखिए इसका कलर बिल्कुल बाजार वाला गाजर का हलवा, हलवाइयों वाला जो होता है, बिल्कुल उस तरह का कलर भी आया है। और ये इसको बस ये करना है कि ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, गाजरें थोड़ी सी इसमें क्रंची टाइप की रहनी चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल घुल जाती हैं तो उससे उसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हाँ तो देखिए ये कितना परफेक्ट गाजर का हलवा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल गाजरों का कलर है, कलर इसका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो अक्सर लोग घरों में जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा हलवा हलवाई जैसा क्यों नहीं बचा, तो आप मेरे तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही अच्छा बिल्कुल बाजार जैसा गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाता है। हाँ तो देखिए कितना मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इस तरह का गाजर का हलवा आप भी अपने घर में बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका हलवा कैसा बना है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दुआ में मुझे याद रखिए, जो मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर वन टाइम सब्सक्राइब कर दें और लाइक फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें और कमेंट्स करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।